जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु, आज फादर्स डे है। पूरे साल भर में कितने डे आते हैं? बहुत सारे डे आते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, विमेंस डे, फैमिली डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, बहुत सारे डे आते हैं। इतने सारे कितने ही प्रकार के डे हो, अपना अपना एक महत्व रखते हैं, चाहे किसी भी संस्कृति के हो या किसी भी परंपरा के हो। जो भी है, हमारे भारत की विशेषता है कि जो भी अच्छी चीज़ है उसका स्वागत किया जाता है, चाहे वो डे किसी भी परंपरा के हो या संस्कृति के हो, लेकिन अगर उसमें से कुछ अच्छा मिलता है तो उसका हमारे भारत में स्वागत किया जाता है, उन पर्वों को मनाया जाता है। क्यों? इन सारे पर्वों को मनाने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे रिश्तों में मधुरता बनी रहे, हमारे संबंध सुधरते रहे, पूरे देश में प्रेम और एकता का साम्राज्य फैले, यही उद्देश्य इन पर्वों को मनाने के पीछे होता है। आज फादर्स डे, यानी एक सवाल है, फादर्स डे मना रहे, क्या करते हैं इसमें? बस हैप्पी फादर्स डे इतना बोल दिया, हो गया? नहीं, फादर्स डे मनाने के पीछे उद्देश्य है कि उन पिता का सम्मान करना है, सत्कार करना है, माता पिता की पूजा करनी है। पूजा करना यानी क्या? उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है, उनके उपकारों को स्मरण करना है, आदर और अहोभाव के साथ उनको स्वीकार करना है, उनकी भावनाओं की कदर करना है। इसका मतलब होता है माता पिता की पूजा करना। तो ऐसे देखिए, आज तक जो है माँ के ऊपर बहुत सी लेखनी चली है, माँ इस शब्द के ऊपर बहुत से काव्य है, लेख है, साहित्य है, कविता है, शायरी है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन पिता के ऊपर इतनी लेखनी नहीं चली है, है ना? पिता के ऊपर इतनी लेखनी नहीं चली है। हमारे साने गुरुजी कहते हैं, रेती के कण जैसे गिन नहीं सकते हैं, वैसे माता पिता के उपकारों को हम गिन नहीं सकते हैं। माँ शक्ति है तो पिता संबल है, माँ शक्ति है तो पिता संबल है, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है, पिता है तो बच्चों के ढेर सारे सपने साकार है, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है, पिता सुरक्षा है अगर सिर पर उनका हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं अभिमान करो, पिता का अपमान नहीं अभिमान करो। ऐसे पिता के लिए कितना कहे, कितने उपकार उन पिता के रहे हैं। माँ तो वात्सल्य बरसाती है, प्रेम बरसाती है, परंतु पिता अनुशासन करते हैं, पिता अनुशासन करते हैं, और इस अनुशासन के लिए कभी कभी उनको कठोर भी बनना पड़ता है, और जब पिता कठोर बन जाते हैं तो बच्चे को वो पिता नहीं हिटलर नजर आते हैं, बच्चे को वो पिता नहीं हिटलर नजर आते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बंधुओं, वो पिता हिटलर नहीं होते हैं, हितकर होते हैं, हितकर होते हैं, हमारे हित के लिए ही उनको कभी कभी कठोर बनना पड़ता है, अनुशासन करना पड़ता है। उनके अनुशासन के पीछे मात्र हमारे हित की भावना होती है, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। थे भूले जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूले जो, कर जो घड़ू माँ बाप रो सिर पर चढ़िया मत भूले जो। इस प्रकार माता पिता के उपकारों को याद करना है, उनका अनुशासन कठोर भले ही दिखता है लेकिन भीतर से वो कोमल होते हैं।
एक बार एक 20-22 साल का युवक एक महात्मा के चरणों में पहुंचा। वंदन करते हुए अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहने लगा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन से जितना परेशान नहीं हूं ना, मेरे मम्मी पापा से बहुत परेशान हूं। महात्मा को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे माँ बाप से कोई परेशान होता है? लेकिन वो शांत बैठे हैं, सुन रहे हैं युवक क्या कहता है। युवक कहता है, महात्मा जी, मेरे माता पिता हर बार मुझे रोक टोक करते रहते, हर बार बस यहां जाओ यहां मत जाओ, ऐसा मत करो ऐसा करो, इस प्रकार बार बार टोकते ही रहते हैं। अरे कभी मैं घर से बाहर जाता हूं तो पहले ही पूछते कितने बजे आएगा, थोड़ा सा लेट हो गया, लेट क्यों हो गया तेरे को। कभी मैं बोलता हूं तो बोलते बहुत ज्यादा बोलता है, कभी नहीं बोलता हूं तो बोले होठ सीके रखे, बोल नहीं सकता है, जवाब नहीं दे सकता है, और कभी जवाब देता हूं तो बोले बहुत जवान चलने लगी तेरी। इस प्रकार हर बार हर बात पर टोकते। अब मैं इतना बच्चा भी नहीं हूं कि मैं कुछ समझ नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे मम्मी पापा हर बार मुझे सीख देते रहते, हर बार टोकते रहते, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं मेरे मम्मी पापा के इस स्वभाव के कारण। उसके आक्रोश को पूरा निकलने दिया और फिर महात्मा जी ने शांति से उसे कहा, युवक से कहा, युवक तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। एक कमरे में उसको लेके गए। उस कमरे के अंदर एक मेज के ऊपर दो दीपक लगा करके रखे हुए थे। दोनों दीपक, एक दीपक पर कांच की चिमनी है, एक दीपक खुला है, दरवाजे खिड़की बंद है। महात्मा ने युवक से कहा, युवक जरा दरवाजा खिड़की खोल दो। उसने दरवाजा खिड़की खोला और जैसे ही दरवाजा खोला, हवा का बहुत बड़ा झोंका अंदर आया और जिस दीपक के ऊपर कांच की चिमनी नहीं थी उसको बुझने में 2 मिनट भी नहीं लगे, वो बुझ गया। महात्मा ने युवक से पूछा, कुछ समझ में आया तुम्हें, तुम्हें कुछ समझ में आया क्या? उसने कहा, नहीं मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तब महात्मा ने समझाया, देखो बेटा, जैसे ये दोनों दीपक थे, एक दीपक पर कांच की चिमनी है, हवा का प्रचंड झोंका आया, फिर भी अभी तक भी वो दीपक प्रज्वलित है, बुझा नहीं है, और जिस दीपक पर कांच की चिमनी नहीं थी वो बुझ गया। बस तुम्हारी युवावस्था भी ऐसी है, बाहर के वातावरण में बहुत सारे प्रलोभन है, कहीं पर भी कदम कदम पर तुम व्यसन फैशन के शिकार बनकर के फिसल सकते हो, गलत रास्ते पर चल सकते हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता बार बार तुम्हें रोकते हैं, टोकते हैं, बार बार तुम्हें कुछ न कुछ कहते रहते हैं, इसके पीछे क्या है, मात्र चिमनी की भूमिका निभा रहे हैं, वो चिमनी की भूमिका निभा रहे हैं ताकि किसी भी प्रलोभन में फंस करके तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन की पवित्रता का दीपक बुझ ना जाए, इसलिए वो चिमनी की भूमिका निभा रहे हैं। याद रखना युवक, माता पिता हिटलर नहीं हितकर होते हैं, माता पिता हिटलर नहीं हितकर होते हैं, हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे संस्कारों को मजबूत करने के लिए ही कभी कभी उनको कठोर होना पड़ता है। जैसे खेत की सुरक्षा, अनाज की सुरक्षा बाढ़ से होती है, नदी की सुरक्षा किनारों से होती है, पैसे की सुरक्षा पर्स से होती है, गहनों की सुरक्षा तिजोरी या लॉकर से होती है, वैसे ही बाहर के पाप कुव्यसन, इनसे हमारे जीवन की सुरक्षा माता पिता के अनुशासन से होती है, उनके संस्कारों से होती है। अनुशासन का क्या महत्व है, कल ही पूज्यवर बड़े मार साहब ने फरमाया था, बहुत सुंदर बात कही कि गुरु के आशीर्वाद से कल्याण नहीं होता है, परंतु गुरु के अनुशासन से हमारा कल्याण निश्चित होता है। जो अनुशासन को स्वीकार कर लेता है उसमें गुस्सा नहीं होता है, उलट के जवाब नहीं देता है, वही व्यक्ति अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है, अपने जीवन का आशीर्वाद के साथ अनुशासन बड़ों के आशीर्वाद के साथ अनुशासन को जो स्वीकार कर लेता है उसी का आत्मकल्याण होता है। इसलिए बस याद रखें कि आज हमें पिता की पूजा करनी है, यानी उनके प्रति आदर अहोभाव को व्यक्त करना है।
फादर्स डे मनाना यानी साल भर में एक ही दिन पिता के गुणगान कर लेना है, इतना काफी नहीं है। रोज रोज ही माता पिता के उपकारों को हमें याद रखना है कि उन्होंने बहुत इतना उपकार किया है, इतना आशीर्वाद दिया, हमारे लिए कितना कुछ किया है। लेकिन आज क्या होता है, आज क्या होता है, बहुत सुंदर एक घटना याद आ रही है कि जिस पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है उसी पिता को बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ करके आता है। एक छोटी सी घटना मात्र 5 मिनट में याद आ रही है। एक पिता पुत्र और बहू तीनों साथ में रहते थे। बहू नए जमाने की, ससुर जी पुराने ख्यालात के, दोनों की रोज पोच खटपट होती थी, दोनों की रोज की खटपट थी। रोज वह पति के पास शिकायत करती थी। आखिर एक दिन उसने गुस्से में आकर के पति से कहा, आज तो निर्णय होना ही चाहिए, आज बस मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, या तो तुम अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आओ या फिर मुझे पियर छोड़ दो, बस दोनों में से एक कोई रहेगा। पति वैसे भी बाहर से टेंशन में था, पत्नी की रोज रोज की ये बात सुनकर के वो भी तंग आ चुका था। आखिर उसने भी निर्णय कर लिया, पिता की बैग भरी, गाड़ी तैयार की और पिता को कहा, चलो गाड़ी में बैठो। पिता कुछ पूछे कि कहाँ जाना है, इसके पहले उसने पिता का हाथ पकड़ करके गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी चल रही है, चलते चलते गाड़ी एक वृद्धाश्रम के सामने रुकी। पिता ने बोर्ड पढ़ लिया। बेटे ने कहा, पिताजी आप कुछ देर गाड़ी में रुकिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। पिता ने बोर्ड पढ़ा है, मुस्कुरा दिया, पिता को समझ में आ गया। वह अंदर गया, ऑफिस में जाकर के जो कुछ जरूरी कागजात फिल करने थे, फॉर्म भरने थे, सब कुछ भर दिया और फिर जो है पिता को गाड़ी में से उतारा और ऑफिस में बैठा करके कहा, पिताजी आप यहाँ कुछ देर बैठिए, मैं जरा एक काम करके आता हूँ। गाड़ी का सामान उतारा और जो कमरा पिता के लिए बुक किया था उस कमरे में उसने सारा सामान व्यवस्थित रख दिया है, सारी व्यवस्था देख ली है और पिता को हाथ पकड़ करके लेकर के आया और कहा, पिताजी अब आपको इसी रूम में रहना है, अब आपको इसी कमरे में रहना है, और कहकर के वो वहाँ से चला गया। पिता कुछ भी बोल नहीं पाए, बस देखते रह गए, वह चला गया। परंतु वह सामान रख के जब बाहर आया था तो उसने देखा पिता उस मैनेजर के साथ कब से बातें कर रहे थे। जब उसने पिता को ऊपर चढ़ाया, ऑफिस में बैठाया और सामान रखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कमरे में गया, वहाँ से वापस लौटता है, इतनी देर तक उसने देखा कि पिताजी मैनेजर के साथ बात कर रहे थे। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि पिताजी इस मैनेजर को कैसे पहचानती, इतनी देर इसके साथ क्या बात करती, अनजान व्यक्ति के साथ कितनी देर बात कर सकते हैं। परंतु उसने सोचा कोई बात नहीं, वृद्धावस्था है और बुढ़ापे में वैसे भी पिताजी को बोलने की ज़्यादा आदत हो चुकी है, तो पिताजी ऐसे भी बातें करते करते होंगे। वह गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गया, लेकिन उसके मन में उथल पुथल चल रही थी कि मैनेजर के साथ पिता ने क्या बात की है। आखिर रहा नहीं गया, उसने गाड़ी रिवर्स ली है, वापिस वह वृद्धाश्रम की ओर आया। ऑफिस में आकर के उस मैनेजर से पूछता है, अभी अभी जिन व्यक्ति को मैं यहाँ छोड़ करके गया था उस व्यक्ति के साथ आपकी कोई जान पहचान है, आप उनको पहचानते हो, काफ़ी देर से आप उनके साथ बात कर रहे थे। तब वो मैनेजर मुस्कुराया और उसने जो बात कही है, दिल को छू लेने वाली, दिल को दहला देने वाली बात उसने कही है। उसने कहा, बेटा तेरे पिता 37 साल पहले इसी वृद्धाश्रम में आए थे और तुझे लेकर के गए थे। 37 ईयर्स पहले तेरे पिता तुझे यहाँ से लेकर के गए थे। मेरा और उनका परिचय 37 साल पहले का है। जैसे ही ये बात उसने सुनी, रो पड़ा है कि मैंने क्या किया, मैं एक अनाथ बच्चा था और मेरे पिता जिनका मेरा खून का रिश्ता नहीं, फिर भी 37 साल तक उन्होंने मुझे संभाला और आज आज मैंने क्या किया। पत्नी के बहकावे में आकर के मैं ऐसे उपकारी पिता का वृद्धाश्रम में छोड़ आया, धिक्कार है मुझे। और वैसे ही दौड़ता हुआ जाता है, पिता के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पिता ने प्रेम से
वात्सल्य से उठाया उसे, पीठ थपथपाई, बेटा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। उसे गले से लगाया, उसने सूटकेस उठाई, सामान उठाया, पिताजी अब आप यहाँ नहीं रहोगे, आप घर पे चलोगे। पिता को ससम्मान गाड़ी में बैठा करके घर लेकर के आया, पूजा सत्कार की है, सम्मान किया है पिता का, और पत्नी को डांटते हुए कहा है, ये पिता इस घर के मालिक है, ये पिता इस घर के मालिक है, तुझे रहना है, शांति से रहे, वरना तेरे लिए पियर का रास्ता खुला है, ये घर इस पिता का है और मैं इनका बालक हूँ, सेवक हूँ, जो भी हूँ, आज मैं जो कुछ खड़ा हूँ इनकी बदौलत खड़ा हूँ। याद रखना बंधुओं, कभी कभी लगता है पिता बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अनुशासन करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि उनका स्वभाव सुधर जाए, उनका स्वभाव सुधारने से पहले हम अपने आप को सुधार ले, उनके स्वभाव को हम स्वीकार कर ले, तो कहीं पर भी तनाव और टकराव नहीं होगा, बिखराव नहीं होगा। बस आज जो बिखराव का एक दौर चल रहा है, इस बिखराव को रोकने के लिए ऐसे फादर्स डे आते हैं, ऐसे फादर्स डे आते हैं। अरे याद करो श्रवण कुमार को, जिसने कावड़ में बैठा कर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। आप कावड़ में नहीं बैठा सकते हो, कार में बैठा कर दो, तीर्थ यात्रा करवा दो उनको, खुद जाकर के उनको तीर्थ यात्रा करवा दो उनको। बस आपका प्रेम चाहिए, आपका थोड़ा सा ध्यान चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। रोज माता पिता के चरण स्पर्श कर, उनकी चरणों की धूली अपने मस्तक पर लगाए, तो हमारे भाग्य के बंद द्वार निश्चित रूप से खुल जाएंगे। बस इन्हीं भावों के साथ आज का फादर्स डे अपने माता पिता के प्रति उपकारों को याद करते हुए, उनके भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें, तभी हमारा जन्म लेना, जीवन जीना सार्थक सफल होगा। इसी मंगल भावों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।